on vaccine, there are three developments which are again positive developments. Firstly, this week the Drugs Controller General of India has granted clearance for clinical trials for one more candidate vaccine from India. This is a vaccine, as you know, it was there in the news, but hum chinnit karna chahenge ki Genova company ne DBT ki madad se, this is a truly again an Indian vaccine. भारतवर्ष की जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एजेंसी है हमारी, उनके साथ मिलके जिनोवा एक कंपनी है, फर्म है, बहुत ही इनोवेटिव काम करती है, एक नया वैक्सीन को ईजाद किया है, इंडियन वैक्सीन है, और इसमें mRNA की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि फाइजर वैक्सीन में यूज़ हुई है, जो कि इतना फेमस हुआ और सक्सेस भी हुआ है। तो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, दैट शुड मेक अस प्राउड दैट अ टोटली न्यू इनोवेटिव फार रीचिंग वैक्सीन कैंडिडेट हैज़ इमर्ज्ड ऑन द सीन एंड दिस इज फाउंड टू बी यूजफुल इनफ एंड इन द लेबोरेटरी इफेक्टिव इनफ इन टर्म्स ऑफ इट्स बायोलॉजिकल फंक्शंस टू बी टेकन फॉर क्लिनिकल ट्रायल phase 1, phase 2। एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वैक्सीन इज अनलाइक फाइजर वैक्सीन और सम अदर्स, this vaccine, if it comes into existence, will be maintainable at normal cold chain conditions in a normal fridge. ये बहुत बड़ी बात है। mRNA vaccine -70 की बात सुनते हो और यहाँ हम कह रहे हैं normal cold chain, जिसका कि हमने आपको बहुत अच्छा अपडेट दिया। तो ये पहली डेवलपमेंट है जो कि हमें गर्व कराती है और वैक्सीन की श्रृंखला में एक अच्छी पाइपलाइन को डेवलप दिखता दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे तीन वैक्सीन अपने हो गए हैं, भारत बायोटेक ICMR वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन और तीसरा जिनोवा DBT वैक्सीन। इसके अलावा आपको मालूम है कि तीन और वैक्सीन ट्रायल्स में हैं, सीरम का वैक्सीन है और स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा, और बायोलॉजिकल ई एक वैक्सीन है जो कि phase 1, phase 2 में है। तो अब हमारे पास 6 वैक्सीन एट दिस टाइम आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स इन आर नेशन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली, जो आपको ज्ञात है कि तीन वैक्सीन्स की एप्लीकेशन हमारे ड्रग्स कंट्रोलर साहब के पास हैं और उनको एग्जामिन किया जा रहा है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए कि उनको क्या प्रोग्राम में लाया जा सकता है। इसको इट्स बींग एग्जामिन्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस यूजिंग द फ्रेमवर्क्स दैट आर साइंटिफिक, द फ्रेमवर्क्स दैट आर ग्लोबली अलाइंड, and ensuring that the vaccine is safe, the vaccine is immunogenic adequately, and also it is effective in reducing the incidence of COVID-19 disease in people. Ye teen applications under considerations hain, inka iterative process hai, data manga jata hai, data dikhaya jata hai, and this independent process, objective process aage badhaya ja raha hai. Main yahan ye kehna chahunga ki jab in processes ki hum baat karte hain, तो इट इज़ नॉट वन इंडिविजुअल और थ्री पीपल, दीज आर पीपल हु आर साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियंस, बेसिक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जो इकट्ठे बैठ के देखते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट, और वो साइंस के बेस के ऊपर ये फैसले करते हैं दैट, एंड दीज पीपल रिप्रेजेंट द वेरी बेस्ट, द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स। तो ये सिस्टम इस तरह से हमारा सशक्त सिस्टम है कि इसकी धाक है दुनिया में, और जो भी ये सिस्टम्स के द्वारा वैक्सीन आज तक आए हैं उन वैक्सीन्स ने अपना काम करके दिखाया है। तो ये इंडिपेंडेंट काम, ऑब्जेक्टिव काम अच्छी तरह से होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो ब्रॉड गाइडलाइंस इम्प्लीमेंटेशन की हैं वैक्सीन की, जैसा राजेश जी ने बताया, उनको हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर किया है, उसमें ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दिखाए गए हैं, उसको लागू कैसे करना है नीचे से नीचे स्तर तक और स्टेट लेवल पे, उसके उसको दर्शाया गया है, उसके बेस के ऊपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो ये भी ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन कार्यक्रम है वो अब स्टेट की तरफ बढ़ गया है और एक्शन की तरफ चला गया है। उसमें जो एडवर्स इफेक्ट की बात कही है सेक्रेटरी सर ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि उसमें एडवर्स इफेक्ट अगर आते हैं तो उसको कैसे टैकल करना, कैसे बचाना,
कैसे रिपोर्ट करना, कैसे ऊपर एक्शन लेना हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के अलावा जब भी कोई नई दवाई या नया वैक्सीन लागू किया जाएगा देश में तो एक फेज फोर क्लिनिकल ट्रायल की फेज होती है, उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी कहा जाता है। और वो जिम्मेवारी जो कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो वॉच करती है कि अब ये दवाई आ गई है, पास हो गया सब कुछ, उसके बाद भी ट्रैक किया जाता है कि उसका कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, तो वो रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी दो लेवल पे कम से कम सिस्टमैटिक तरीके से बाद में होने वाले असरों को पहचाना जाता है, टैकल किया जाता है, और ये साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि अगर एक वैक्सीन या दो वैक्सीन या तीन वैक्सीन जैसे जैसे भी इमरजेंसी यूज ऑथराइज होकर आपके सामने आएंगे, देश में इस्तेमाल होकर आएंगे, आपको पूरा फेथ होना चाहिए कि ये वैक्सीन साइंटिफिकली प्रूवन है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इस काम को निभाने की जिम्मेवारी ली है, वो जब ये फैसला करेंगे, वी मस्ट हैव फेथ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपने देश की इंस्टीट्यूशंस में हमें ये छवि दिखनी चाहिए कि ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स से भी बेहतर काम करने में की ताकत रखते हैं। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.